क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइज आज का जो ये कंटेंट शुरू हो रहा है, ये कंटेंट शुरू हो रहा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और जिम कॉर्बेट के पास में लगी हुई ये जगह है, और सामने मेरे बैक साइड में ये बन रहा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक नया गेट, जहाँ पर की जाएगी जंगल सफारी। और इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स की जो साइटिंग होगी ना गाइस, वो होगी काफ़ी ज़बरदस्त। ये जगह वाइल्ड लाइफ के साथ साथ में बर्ड साइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह होने वाली है, क्योंकि इधर काफ़ी डेन फॉरेस्ट है और थोड़ी ठंडी जगहें हैं। तो इस जगह पर ना एक तो होता क्या कि पूरे कॉर्बेट में माइग्रेट होकर सीजन के अकॉर्डिंग बर्ड्स आती ही आती हैं, बाकी वाइल्ड लाइफ तो इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा, जितना भी कहें आप उतना कम, क्योंकि टाइगर्स, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, अदर्स जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं गाइस, इस जगह पर भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। तो इस जगह से अभी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये गेट बना है, क्योंकि आज से पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पर कोई गेट नहीं था जंगल सफारी को लेकर। और ये काफ़ी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है गाइस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि ये जिम कॉर्बेट से लगा हुआ है, और ये जगह जो है ये अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास की जगह है। मतलब इधर तक जो पोर्शन आता है ना, ये आता है जिम कॉर्बेट का। बट थोड़ी यही है चीज़ें कि ये जगह है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो जिम कॉर्बेट से लगा होने की वजह से ये जगह में वाइल्ड एनिमल्स की किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। बस कमी सिर्फ यही थी कि इस जगह पर नहीं था कोई भी जंगल सफारी का गेट। तो अभी फाइनली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट द्वारा इस जगह पर ये जंगल सफारी को लेकर एक गेट बना दिया गया है, जिसमें आपको जंगल सफारी का अनुभव लेने के लिए ज़रूर मौका मिलेगा। बट अभी इस गेट को ज़्यादा समय ही नहीं हुआ है गाइस, क्योंकि ये गेट बने हुए नहीं भी तो अभी एक से डेढ़ हफ्ता हो रहा है। एक से डेढ़ हफ्ते में अभी गेट बनकर तैयार तो हो चुका है, बट अभी इस जगह पर जंगल सफारी का अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब से इस जगह पर जंगल सफारी होगी और क्या इस गेट का नाम रखा जाएगा। आपको दिखा दूं अभी मैं गेट, ये देखिए, इसमें किसी तरह का कोई नोट नहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं? गेट पूरी तरह से क्लीन है, इसमें लिखा नहीं है जैसे होता है ना ढिकाला जोन, धनगढ़ी या किसी जगह से भी मतलब इंडिकेट की जाती है ना चीज़ें कि ये वो चीज़ें हैं, बट अभी ऐसी कोई चीज़ें इस जगह से नज़र नहीं आ रही हैं। जब इस जगह पर इस गेट का नाम रख दिया जाएगा और फिर जब इस जगह से जंगल सफारी होने लगेगी ना, तो फिर आपको ज़रूर ये जोन दिखाया जाएगा। बाकी हो सकेगा तो बीच बीच में इस जगह तक आने की कोशिश की जाएगी। तो अभी चलो करते हैं इस कंटेंट को कंटिन्यू और चलते हैं वापस जिम कॉर्बेट धनगढ़ी की तरफ, और देखते हैं कि इस बीच में हमें किस तरह की वाइल्ड लाइफ और किस तरह की एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ की देखने को मिलती है। तो गाइज़ आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हैं इस चैनल पर नए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जंगल की जो रोचक तत्व हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, और जो जिम कॉर्बेट से अपडेट है गाइज़, वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो चलो करते हैं कंटेंट को कंटिन्यू और आप बने रहे कंटेंट में। तो ये देखिए अभी यह है नज़ारा इस जगह से, ये है
यहाँ का जो इनका स्टाफ हाउस है गाइस, ये गार्ड रूम तो ये है, और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से, देख रहे हैं। इधर की साइड में कोसी रिवर और गेट के पास आगे की तरफ काफ़ी अच्छा एकदम वेदर, मौसम, नेचर काफ़ी अच्छा है। बाकी आगे की तरफ अभी जिम कॉर्बेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो आपको और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं। सफ़र तो हो चुका है शुरू, और रिवर साइड का ये किनारा देखे क्या प्यारा व्यू आ रहा है। और इस जगह पर ये एक फॉरेस्ट चौकी है ना, और इस साइड में आगे की तरफ कोसी रिवर, और कोसी रिवर से लगा हुआ चुकम विलेज, और इस साइड में एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है गाइस। इस जगह पर भी आप आके नाइट स्टे कर सकते हैं। और इस गेट के पास में आगे यह है एक छोटा सा विलेज सिवाणी, सिवाणी नाम से इसे जाना जाता है। बाकी साइन बोर्ड आप चेक कर पा रहे हैं, ये लगा हुआ है मोहन का। और सामने की तरफ इधर की साइड में दिखाई दे रहा है चुकम विलेज का कुछ नज़ारा, ये सिवाणी है, ये देखिए सामने की तरफ कोसी रिवर, और आगे की तरफ उस जगह पर चुकम विलेज, और ये सीमा समाप्त हो जाती कोसी रेंज की यहाँ से, और ये है मोहन। ये रास्ता जा रहा है कोसी रिवर की साइड में, मोहन से कुछ दूर आगे चलकर आए हैं, लास्ट मोहन का ये किनारा है, और सामने कोसी रिवर का ये साइन काफी एकदम मन खुश कर देने वाला। बाकी ये है टाइगर ट्रेल, इन रास्तों को टाइगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। सामने गाइस ये देखिए सांवड़ियर, देख रहे हैं अभी वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग होने लगी है, देख रहे हैं इस जगह पर है सांवड़ियर, आपको दिखाता हूँ अभी इसे और क्लोज। मैंने कहा था ना अभी शाम को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। तो फाइनली हमें इस जगह पर देखने को मिल गया सांवर डियर, देख रहे हैं? अभी ये ले रहा है चारा, ये देखिए क्या मस्त नजारा है गाइस, क्या मस्त। बट ये अकेला है अभी ना, इसके साथ में और कोई एनिमल्स नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि थोड़ी अंदर फॉरेस्ट में हो, बट अभी ये अकेला दिख रहा है। देख रहे हैं कुछ इस तरह की जगह है, और सामने है अपना प्यारा सा नज़ारा सांवर डियर का। तो चलो गाइज अभी इसे भी डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। तो फाइनली गाइज अभी जीरो पॉइंट से हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे समय के अकॉर्डिंग आपको कहूं तो वाइल्ड लाइफ का टाइम हो चुका है रिवर साइड में जाने का, और रिवर साइड के कुछ एनिमल्स हैं जो कि आ जाते हैं वापस फॉरेस्ट की तरफ, बट मोस्टली एनिमल्स जाते हैं अभी इस समय रिवर साइड। तो अभी फोन का बैक कैमरा ऑन कर लेना चाहिए और दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से शाम का ये नज़ारा। वैसे तो हमें सुनने को मिला है कि अभी धनगढ़ी के आसपास कहीं पे एलिफेंट दिखा है, तो देखते हैं अगर एलिफेंट की साइटिंग हो पाती है तो वेल, नहीं तो अभी शाम को इंजॉय कर ही रहे और वाइल्ड लाइफ अगर देखने को मिल जाती है तो सोने में सुहागा गाइस। तो गाइस ये जगह है, देख रहे हैं इस जगह पर एलिफेंट की साइटिंग हुई है अभी, नहीं भी तो आधा घंटा पहले इस जगह पर अंदर की तरफ एलिफेंट गया है। सिंगल एलिफेंट था और चला तो गया अंदर की तरफ। देखो ये जगह गाइस जहाँ से एलिफेंट की साइटिंग हुई है कुछ देर पहले, है ना? अगर वो वीडियो क्लिप मिल जाती है तो आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर चीज़ें कुछ इस तरह की हैं ही, है ना? ये देखिए। तो अभी मैं आया था थोड़ी धनगढ़ी के आसपास, क्योंकि अभी जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अल्मोड़ा ज़िले के पास से, और सामने की तरफ आपको दिखाऊं तो मैं गाइस सांवर डियर, वो देखिए सामने सांवर डियर, एक नहीं गाइस दो सांवर डियर है, दो सांवर डियर दिखाता हूं मैं आपको ना आगे। ये देखिए सामने इस जगह पर, ये देख रहे हैं, ये देखिए ऑन वे आए हुए हैं सांवर डियर। बट ये है ना, ये गाड़ी वाले हॉर्न मारते हैं, वो गलत करते हैं। ये देखिए गाइस सांवर डियर है, काफी सारे लोग देख भी रहे हैं अभी ने, है ना? काफी अच्छा मोमेंट है, काफी अच्छा। और अभी ये चले गए आगे की तरफ, थोड़ी आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, है ना? अगर इसका थोड़ा मोमेंट मिल जाता है हमें। बाकी अंदर की तरफ मुझे लग रहा है कि इस जगह पर स्पॉटेड डियर भी हैं, सांवर डियर ही नहीं। ये देखिए सामने पूरा क्लियर है कि इस जगह पर अभी किसी तरह का खतरा है नहीं। अगर खतरा होता तो फिर हमें सांवर डियर देखने को नहीं मिलते, है ना? तो अभी ये तो ले रहे हैं चारा और इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस, एक तो सामने की तरफ सांवर डियर देखने को मिले थे लेफ्ट हैंड की साइड में, और ये है राइट हैंड की साइड में सांवर डियर, देख रहे हैं? इस साइड में अकेला है और दो सांवर डियर जा चुके हैं अंदर की तरफ, और इस जगह से आपको सुनने को मिल रही होगी जंगली जो मुर्गी होती है ना उसकी साउंड। इस साइड भी दो सांवर डियर है गाइस, मुझे लग रहा था कि एक है, बट इस जगह पर भी दो सांवर डियर है,
दो सांवर डियर लेफ्ट हैंड की तरफ और दो सांवर डियर राइट हैंड की तरफ, और साथ में एक सुंदर सी आवाज़ जंगली मुर्गी की, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अभी सांवर डियर इस जगह पर हैं, कुछ टाइम बाद ये थोड़ी निकल कर आएंगे आगे की तरफ, और दो सांवर डियर काफ़ी क्लोज इस जगह पर इस ग्रास में नज़र आए थे, बट जैसे ही उनके क्लोज आए हम तो वो तो चले गए अंदर फॉरेस्ट में। थोड़ी डेंट फॉरेस्ट था इस जगह पर जंगली झाड़ियों की वजह से, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, बट जो देखने को मिल रहे सामने, ठीक है, सामने की तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कहता था इस जगह पर है, ये देखिए हल्का सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, दो सांवर डियर हैं इस तरफ, ठीक है, और दो सांवर डियर हैं ठीक मेरे इस तरफ, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए दो सांवर डियर, क्या प्यारा नज़ारा है इसके, आप प्यारा, और इस नज़ारे को खूबसूरत बना रहा है अभी जो यहाँ पे जंगली मुर्गा बोल रहा है। ये सामने आगे की तरफ जाने लगे, ये भाग गए फाइनली, देख रहे, तो चलो अभी ये तो चले गए आगे, और अभी हम भी चलते हैं आगे की तरफ, और सामने इस जगह पर ये देखिए, ये पूरी तरह से हो रहे हैं अभी स्टेबल, ये तो किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर रहे, बट जो राइट हैंड की तरफ थे वो चले गए हैं। तो चलो अभी मौसम भी ना ऐसा हो रहा है कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि हवाएं आप चेक कर सकते हैं, पेड़ों की पत्तियां हिलती हुई नज़र आ रही हैं, और मौसम एकदम अंधेरा होने लगा है, हो सकता है कि कुछ क्षणों बाद बारिश आ जाए। सुबह के समय आधा घंटा बारिश हुई थी और अच्छा खासा पानी आ चुका था, चांस है कि ऐसा हो। और ये नज़ारा जो अभी हमें देखने को मिला है सावर डियर का, ये मिला था धनगड़ी नाले के पास, बारिश आ रही है, सावर डियर ना इस साइड में भाग कर आए हैं इस तरफ, अब वो दिखते हैं या नहीं वो एक अलग चीज है। नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहे, ये देखिए पूरा का पूरा झुंड फिर से इस जगह पर स्पॉटेड डियर का। देख रहे किस तरह से भाग रहा है, क्या एक्टिविटी है, है ना। और सामने इस तरफ ये देखिए, सामने इस तरफ भी है अभी, मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड की साइड में स्पॉटेड डियर ही डियर, काफ़ी समय बाद स्पॉटेड डियर देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो सांवर डियर की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट जो स्पॉटेड डियर का झुंड है ना वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है अभी, और अभी ये समय पूरा का पूरा झुंड दिख गया है। बट थोड़ी ना है क्या कि शाम होने लगी है और फ़ोन का जो जूम है गाइस इतना क्लियर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मौसम भी अंधेरा सा होने लगा है, बट फिर भी आपको हलचल जरूर नज़र आ रही होगी। तो चलो ये चीज़ें हैं अभी इस जगह से, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं अपने लेफ्ट हैंड की साइड में, इस साइड भी अभी जंगल में जो पत्तों की आवाज़ें हैं ना, मतलब अगर वाइल्ड एनिमल्स उन सूखे पत्तों में चलता है तो उनके पैरों की आवाज़ आती है चलने की, तो वो तो आ रही हैं। और इस जगह पर देख रहे हैं, दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए इस जगह पर है सांवर डियर, ये देखिए इधर है सांवर डियर और अदर्स एनिमल्स, अंदर की तरफ है स्पॉटेड डियर प्लस सांवर डियर। तो ये चीजें तो हैं, सांवर डियर है स्पॉटेड डियर भैया। तो चलो गाइस चलते हैं इस जगह से भी आगे की तरफ, है ना। मौसम एकदम बहुत ही खतरनाक हो चुका है, कुछ ही सड़ों बाद हो सकता है कि तूफान और बारिश आ जाए, तो इसलिए बारिश के आने से पहले वापस घर की तरफ चला जाए। देख रहे हैं आप, जरूर देख रहे होंगे अभी पेड़ों में हवाएं किस तरह से चलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए इधर की तरफ अभी हवाएं काफी चल रही हैं, तो जंगल में रुकना और तूफान के साथ में रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं। तो चलो चलते हैं। देखिए गाइस इस साइड में पूरा का पूरा झुंड स्पॉटेड डियर का, ये देख रहे हैं। बट क्या करें ना, अभी हो क्या रहा है कि कैमरे का जूम इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, तो जूम अच्छा वर्क ना करने की वजह से ना थोड़ी क्लियरिटी के साथ में इमेज नहीं दिखाई दे रही है, बट आपको इस जगह पे एक्टिविटी देखने को मिल ही रही होगी। तो चलो अभी चलते हैं इस जगह से भी आगे की तरफ। सारे बच्चे दिख रहे हैं, ये लगे हैं फॉरेस्ट द्वारा लगाए हुए नए साइन बोर्ड। इस तरह के साइन बोर्ड अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको, जंगल की तरफ भी और ऑन हाईवे की तरफ भी। ये देखिए सामने इस जगह पे भी है सांवर डियर, देख रहे हैं सांवर डियर ही सांवर डियर दिखाई दे रहे हैं अभी तो। बट है क्या कि अभी हो चुका है अंधेरा और तूफान आने की काफी ज्यादा चांस हो रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग रुक नहीं रहे, नहीं तो इस जगह पर भी अच्छे खासे सांवर डियर देखने को मिले थे। फाइनली अभी आ चुके हैं पनोद के बड़े नाले के पास, और आज की डेट में गाइस नहीं भी तो सिर्फ एकमात्र रास्ता कहूंगा मैं इसे, सिर्फ एकमात्र रास्ता। तो ये वो रास्ता है जिस जगह से शाम के जब 7 से 7:30 बजे का समय हो रहा है ना, टाइगर निकल कर आ रहा है फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट से जब निकल कर आता है हल्का अंधेरा हो जाता है, ठीक है, हल्का अंधेरा होता है। तो फिर क्या, अंधेरा होने से पहले जो स्पॉटेड सांवर डियर मतलब शाकाहारी एनिमल्स है वो करते हैं मूव करते हैं कोसी रिवर की तरफ, और फिर जो टाइमिंग है टाइगर की 7 से 7:30 या 8 बजे की, तो फिर वो टाइमिंग मैच कर जाती है रिवर साइड में वाइल्ड लाइफ की। तो फिर गांव के जो आखिरी हिस्से हैं उस जगह से, ठीक है, ये रास्ता है इस जगह से जाता है टाइगर नीचे की तरफ, तो उस जगह से जब टाइगर और सांवर या स्पॉटेड डियर का आमना सामना होता है ना गाइस, फिर आती है काफी ज्यादा जोरदार कॉल, और कॉल होती है इतनी भयानक कि मानो जैसे टाइगर ने, या कह लीजिए आप, हो सकता है कि लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड के भी पगमार्क देखने को मिलते हैं, बट जो चांस होते हैं ऐसा लगता है कि अक्सर टाइगर ही है।
तो ऐसा लगता कि टाइगर ने किसी ना किसी स्पॉटेड डियर या सावर डियर का कर लिया है किल। तो ये चीजें हो रही हैं पनौत के बड़े नाले से आज की डेट में टाइगर की मूवमेंट और वाइल्ड एनिमल्स की रात के समय आए हर रात सुंदरखाल विलेज में कॉल ही कॉल। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के काफी ज्यादा क्लोज। और तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुका हूं वापस घर के पास में। और जैसा कि आपने देखा ब्लॉग की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट से लगा हुआ एक नया जोन बनने जा रहा है जो कि अल्मोड़ा रेंज में है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है गाइस। तो अभी उसका नाम वाम तो कुछ है नहीं, बट वहाँ से इस ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। बीच में हमें काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिली है जिसे देखकर काफ़ी मज़ा भी आया। बाकी था क्या कि अभी मौसम ने पूरी तरह से एकदम ऐसे करवट बदली है कि मानो जैसे तूफान और बारिश एक साथ ही आने वाली हो। तो इसलिए अभी फाइनली आ चुके हैं घर की तरफ। बाकी वाइल्ड लाइफ रास्ते में काफ़ी ज़्यादा थी, उम्मीद है कि ज़रूर आपको चीज़ें देखकर अच्छी लगी होंगी। तो गाइज इसी के साथ आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए और आपको मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप वीडियो के अकॉर्डिंग गाइज अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, थोड़ी उससे होता क्या कि थोड़ी मोटिवेट होने को मिलता है और जो हमारा कार्य है वो थोड़ी हमें और अच्छे से करने को मिल जाता है। तो इसी के साथ कहना चाहूँगा और मिलना चाहूँगा आप लोगों को फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।